हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, बहुत सारा का क्वेरी था जो कि ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव होने के बाद में जो ऑनलाइन में आप लोग प्रिंट करके निकालते हो, तो देखिए गाइस उस समय में एक चीज़ें आपके पास भी हो सकता है और बहुत सारा का मतलब कॉमेंट भी था। यह हमें सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी बोल के लिखा है, आप लोग देख सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल अप्रूव होने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, तो ये देखिए। और उसके बाद में यहाँ में नीचे में मतलब सिग्नेचर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी बोल के लिखा है, और नीचे में आप लोग देख सकते हो, साइट में आप लोग देख सकते हो, यहाँ में सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड और इस तरीके का आता है और एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो देखिए गाइस, अभी ये वेरीफाइड अगर नहीं भी होता है तो गाइस ये क्या रेजेक्ट और इनवैलिड सर्टिफिकेट होगा? तो इसका बारे में आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए गाइस, बहुत सारा लोग मतलब यहाँ में जो जो नोट्स यहाँ में लिखा होता है तो वो मतलब अच्छे तरीके से रीड नहीं करते हैं, इसीलिए मतलब उनको समझ में नहीं आता है यहाँ में क्या लिखा है एक्चुअल में और ये वैलिड होता है कि नहीं होता है। तो उसमें मतलब एक कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को क्लियरली मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, साइट में आप लोग देख सकते हो, सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड डिजिटली साइंड बाय, यह में जो भी अथॉरिटी का नाम होता है, तो वह हमें अथॉरिटी का जो भी नाम है, मैं ये मेंशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गाइस ये मतलब पर्सनल किसी का नाम है और मतलब उनका नाम होता है। तो ये डिजिटली साइन बाय मतलब डिजिटली ये साइन होके ही मतलब ये आपको सर्टिफिकेट जेनरेट होके मिलता है, और इधर में आपको बारकोड मिलता है। उसके बाद देखिए गाइस, ये हमें नोट एक लिखा है, तो ये हमें फिर से मतलब फोर नोट मतलब लिखा होता है। और सबसे पहले में देखिए गाइस, दिस सर्टिफिकेट इज डिजिटली साइन एंड therefore needs no physical signature, यहाँ में फिजिकल सिग्नेचर के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये डिजिटली साइन होके मतलब आपको मिला है। और यह में और भी लिखा होता है, authenticity of this certificate can be verified from, देख सकते हो http और www.assam.gov.in certificate verification। तो देखिए गाइस, ये वेरीफाइड मतलब जो कि ये ई डिस्ट्रिक्ट एम्प्टोन का मतलब जो भी वहाँ में कर्मचारी लोग हैं तो वो लोग मतलब अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं आपका डॉक्यूमेंट वो सब, और उसके बाद ही मतलब ये आपको ओरिजिनल का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हमें दो नंबर में वही सारा कुछ लिखा होता है। और उसके बाद देखिएगा, तीन नंबर में लिखा होता है, दिस सर्टिफिकेट इज लीगली वैलिड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, और ये एक लीगल सर्टिफिकेट है जो कि गाइस कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हो इसको, पैनल एक्शन। और ये मैं चार नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है, और ये सारा है गाइस, करने के लिए ज़रूरत नहीं है गाइस, ये मतलब अगर नहीं भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी रहता है, तो भी गाइस ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, आप लोग मतलब इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारा का ये क्वेरी था। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी समझ में आया। तो आज का मेरा वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।